नाम तो सुना होगा। ओके, साइट पे विजिट की है। पहला वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, जो इंस्टॉलर ने फिल्टर ड्रायर साइड ग्लास सब नहीं लगाया था, आज फिर उसने कहा कि कंप्लीट है। ओके, आके सबसे पहले ये चेक करते हैं। ओके, फिल्टर ड्रायर लगाया है, साइड ग्लास भी है, सोलर नाइट है। अच्छा, मगर वायरिंग नहीं किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वायरिंग नहीं किया है। ठीक है, अब उसका वायर लेके आना होगा, सोलर नाइट का वायर कंट्रोल पे। तो सोलर नाइट है सिस्टम और सिस्टम टू, ठीक है, सिस्टम वायर का वायर। ओके, तो जो सोलेनॉइड बल्ब का है ये 5 और 6 है। सोलेनॉइड बल्ब का वायर एक यहाँ, एक यहाँ, दूसरे स्टेज वन का यहाँ, स्टेज टू का यहाँ, सिस्टम वन का यहाँ, सिस्टम टू का यहाँ, एक एक वायर। और दोनों सोलेनॉइड का जो दूसरा वायर है वो ला के यहाँ लगा था टर्मिनल टू पे। ठीक है, ये ओके, ये हो गया है। तो ये चेक करना ज़रूरी है, बाद में गैस चेक करो, गैस का प्रेशर है कि नहीं, वाल सब ओपन है कि नहीं, वॉल का सब देखना है डायरेक्शन। ठीक है, ओके, वॉल सब चेक करो, सब शाम, ओके, सीधा होना चाहिए। ठीक है, बाद में गैस चेक करो। ओके, गैस है, ठीक है, ऊड नहीं निकाला है, निकालना था उसको। हाँ, जो इंस्टॉलर है, आज वो कमिश्निंग स्टार्टअप किया है, काम था। ठीक है, ओके ओके ओके, 70 mm का पावर सप्लाई केबल है। ओके, 3 फेस है, रेड येलो ब्लू। चालू करने के टाइम फेस का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, हाँ, नेम इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं एचयू में। एचयू में क्या बाकी है, जो लोगों ने कहा एकदम रेडी है, आके चालू कर दीजिए। रेडी तो थर्मा बल्ब नहीं लगाया। ओके, इसको लगाइए। ओके, यहाँ पर लगाइए थर्मा बल्ब, देखिए नहीं लगाया है, दोनों नहीं लगाया, वही नए लोग का बस खाली बोलता है, थर्मा बल्ब नहीं लगाया है। ओके, ये स्टेज वन का ही है, वन वाला है। ओके ओके, बस पॉलिश कर लीजिए थोड़ा अच्छा सफाई को। आधा किलो जो खाली भी बोलते पड़ गया था। ओके, तो साफ करके ये इसका क्लैंप है। ठीक है, ओके ओके, दोनों चलो, अच्छी बात है। स्लोली लो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेज वन का लिखा है ना, स्टेज वन। ओके, तो स्टेज वन सिस्टम वन वो है, उस तरफ का सेक्शन वन है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल में ही लगना है, वर्टिकल में नहीं लग सकता। एक तो आएगा आराम से, घुमा दो ना, नहीं चल, ठीक है, सही सही, हाँ सही सही, ओके ओके, नो स्प्ले ले लो। चलो ओके, ठीक है, इंसुलेशन कर दिए हैं। ओके ठीक है, ओके, फिल्टर लगा दिए हैं, बैक फिल्टर आपका, ओके, बैक फिल्टर अंदर की तरफ है, एल्युमिनियम फ्रंट की तरफ है। ठीक है, 100% फ्रेश एयर यूनिट है इसमें,
रिटर्न नहीं है, 100% फ्रेशर है, ठीक है। तो उसके बाद फ़िल्टर लगा दिए, बैक फिल्टर उसके पीछे में है, कूलिंग कॉइल से पहले, ठीक है, ओके कर दिए, अभी ऐसी लगा दी है, बाद में फिनिशिंग करेंगे इसको। हाँ ओके, अभी चालू करना है, टेम्परेचर चिल्ला रहा, चालू करो ओके। हाँ ओके, कहाँ का केबल है? नहीं हम बोल नहीं रहे उसको, उसको बोल ही नहीं सकता। ओके बहुत अच्छा, पूरा रेडी किया हम लोग, ब्रैकेट नहीं निकाला है, वेरी गुड, ओके ठीक है, हम लोग कर, ओके हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग को जो है ना मेन इसका काम है, ये कंट्रोल का, ठीक है, इसका वायरिंग के ऊपर। तीन फेस यहाँ पर लाके लगा दिया है, ओके तीनों फेस यहाँ लाके लगा दिया है, ठीक है, और न्यूट्रल यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ओके। अर्थिंग लगाया है कि नहीं? अर्थिंग भी लगा दिया यहाँ पर, चलो लक्स, ओके ठीक है, अर्थिंग भी लगा दिया, ओके। अब हम लोग जो इसका जो वायरिंग है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, वायरिंग के ऊपर। पहले एक जो है जो कॉन्टेक्टर कॉयल और ओवरलोड दोनों इसमें है, ठीक है, ओके। तो कॉन्टेक्टर 220 का है, 220 का है ना, 220 वोल्ट का कॉयल है, तो वो एक एक जो 220 का है एक न्यूट्रल दे दो डायरेक्ट उसको, ठीक है, न्यूट्रल दिया हुआ एन है ना, एन दिख रहा है, एन है ना, कॉयल में एन दिया हुआ। दूसरा है 18 है, ओके 18 कहाँ पर आ रहा है? ओवरलोड में आ रहा है ये, ठीक है, 18 आया, यानी कि वहाँ से जो यानी कि कॉयल से दूसरा वायर लेके वो आपका ओवरलोड में आपका आया यहाँ पर, ठीक है, सीरीज में, सेम सीरीज है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट फेस दे देंगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉयल में एक फेस एक न्यूट्रल चलेंगे, डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, तो एक न्यूट्रल दिया हुआ, दूसरा वाला को 18 नंबर यानी लेके सीधा लेके आया, ओवरलोड में लगाया, ठीक है, सीरीज में। अब ये वायर को अगर फेस दे देंगे फिर भी चालू हो जाएगा, ठीक है। अब वही वायर को यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं देना, तो इसको 12 नंबर को लेके आया, कहाँ लाया वो 12 नंबर? यहाँ लाया है, ठीक है, 12 नंबर यहाँ लाया है। अब करना क्या है? करना ये है, एक वायर 12 नंबर का लेके सीधा डायरेक्ट, दो तरह से वायरिंग बताता हूँ, पहले एक ईजी वाला बता देता हूँ, देखिएगा 12 नंबर का वायर ले आके यहाँ लगा देना इन फाइन, वो जैसे वो उसको फेस देगा वो चालू हो जाएगा, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं रहेगा, जब उसको डिमांड मिलेगा तब वो ऑन होगा, ठीक है, एकदम सही तरीका है, ओके। तो हम लोग सोलेनाइड वाल्व का जो है वायर ऐसी बाहर से, क्योंकि अभी वो लोगों ने पूरा इंसुलेशन नहीं किया है, ऐसे ही बाहर से ना हम लोग वायर डाल दिए, ठीक है, ओके। वायर लेके ऐसे ही सिर्फ, क्योंकि अभी एसी सिर्फ ऑन करना है, ओके। तो ये स्टेज वन के लिए आपका एक वायर, सोलेनाइड का दो वायर है ना, एक वायर नंबर 5 में लगाओ और दूसरा वाला जो वायर यानी दूसरा सोलेनाइड का वायर 6 में लगाओ, और दोनों सोलेनाइड का जो दो एक एक वायर बच गया है वो आपका 2 में लग जाएगा, ठीक है, ओके। फैन का वायर हमने यहाँ पर एक डाल दिया है, ओके, लक्स नहीं था इसके वजह से लिए, वो बाद में लोग प्रॉपर काम करेगा, ठीक है, जो भी एसी इंस्टॉल किए, हम लोग को सिर्फ एसी को टेस्ट करना है और लोग को दिखाना है, ठीक है, ओके चलिए। طب انا في 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 انت سوا سوا ده ايوه موجود سوا سوا ما في مشكله انا هتيجي واحد ما في مشكله اوكي بعد ما بريشر देख लो स्टैंडिंग प्रेशर कितना है ओके रूम जबरदस्त गरम है देखो 350 है अभी एसी ऑफ है 350 स्टैंडिंग प्रेशर है ओके दोनों सेक्शन लगा दिया है मैंने ठीक है ओके चलिए स्टार्ट करेंगे ओके तो अभी हम लोग मेन ब्रेकर को ऑन किए ठीक है तो अभी मैं देखो हम लोग न्यूट्रल को निकाल दिए क्योंकि कंट्रोल से सिस्टम ऑन नहीं होना चाहिए है ना जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं होना चाहिए तो हम लोग इसलिए न्यूट्रल को निकाल देते हैं ताकि कंट्रोल में दोनों चाहिए ना फेस और न्यूट्रल दोनों जो वायर लगेगा तभी वो ऑन होगा तो हम लोग सेफ्टी के लिए जो एक्स्ट्रा वाला लग से लगा हुआ है इसका वो निकाल के पहले फेस चेक कर रहे हैं फेस कैसा है जो तीनों फेस वो चेक कर रहे हैं ओके 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 399 है ओके 399 है ओके अब हम लोग ओके न्यूट्रल को चेक कर ले रहे हैं या वाला ओके ओके वेट कीजिए ओके 224 दूसरा फेस से चेक करिए 224 और तीसरा फेस से भी चेक करिए आपका तीसरा फेस से भी ओके ठीक है ओके अब ये हो गया अब हम लोग उसको ये चेक करेंगे ठीक है
फ़ैन को पुश करके चेक कर लेना चाहिए कि डायरेक्शन सही है कि नहीं, कंडेंसर फ़ैन को पुश करके डायरेक्शन चेक करना चाहिए। लेकिन हम लोग करो खाली ऐसे पुश करो, मुश्किल नहीं, ऐसे पुश करो, डायरेक्शन देखेंगे नहीं देखिए उल्टा चल रहा फैन, उल्टा चल रहा, घुमा देखा ना, बोले ना डालो हवा, नहीं हवा फिर खींच रहा है, हवा नहीं फेंक रहा। ओके एक मिनट, ओके यस खलास, ओके मुझे फेस का बदल, ओके फेस रॉन्ग है इसका, ओके जब फेस सही होगा तो आपको टर्मिनल 1-2 में आपको वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है 1 और 2 में, 1-2 में वोल्टेज देखिए नहीं आ रहा, ठीक है ओके। हाँ मुदीर लाजिम आधा बदल फेस आधा, ओके ओके المسمار الفوق ذي برضو اللوز المسامير الفوق دي لوز به لوز وقال كلام وشيتان على الميدا مكسر عين هلو اللوز الفوق المسمار الفوق هذا لوز خلاص هذا فيه كيف لوز يا زلمة هاي عليه شو اسمه عندما ما في شوف انا ما في سوي اي شيء اصلا انت انا عارف اي شوفه ترى لوز كان لوز هنا زياده ايوه اوكي تو اس کا فیس رونگ تھا فیس کو ہم لوگ انٹر چینج کر دیے ہیں اوکے تو بلو کی جگہ یلو کو ڈال دیا یلو کی جگہ بلو فیس اب اوکے ہے اب ہم لوگ سسٹم کو آن کر دیں ٹھیک ہے اوکے कभी जो कोई नया यूनिट हो तो फर्स्ट टाइम ज़रूर उसका फेस सीक्वेंस चेक करना चाहिए। ओके 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 150 है अभी, ओके फेस चेंज करके चालू कर लिए हैं, 150 है ओके दूसरा वाला है आपका 120 है ओके रूम टेम्परेचर बहुत हाई है जो उसका आपका जो एम्पेयर है 26.4 है ठीक है ओके 21 ले रहा है एक्चुअल ओके नंबर 2 का आप देखेंगे 20 ले रहा है ठीक है ओके जाने दीजिए ओके साइड ग्लास देखिए क्या है इसमें कुछ बबल्स वगैरह है कोई बबल्स नहीं है ओके बी केयरफुल कोई बबल्स नहीं माशाल्लाह ओके परफेक्ट गैस डाला गया ठीक है एक ही बार में कुछ करना नहीं पड़ा ओके ये प्रेशर आपको ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन वो ड्रॉप होगा ये आपका 130 है 1 आपका 60 जा रहा है कोई बात नहीं वो नीचे जाएगा बिल्कुल जाएगा हाँ दादा उसका हेल्प करो थोड़ा सा ओके ब्लोअर का एम्प चेक कीजिए ब्लोअर का एम्पेयर चेक करिए अरे भाई लगाई तो दो ओके 4.5 है ओके ठीक है ओके चलिए ओके सब इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा अभी ऐसा ही ओके हाँ काम बहुत है लेकिन हाँ बस एसी को रेडी कर दे रहे ओके ओके ये 100% फ्रेश एयर है ठीक है ओके इसके लिए भी आपका हाँ ओके अभी 160 था ना नीचे आया ये 160 था आपका अभी 150 में आया वो नीचे आएगा जाहिर है देखिए पहले कितना एम्पियर था 22 ले रहा था अभी 21 आया तो जाहिर है जब आपका एम्पियर डिक्रीज करेगा तो आपका प्रेशर भी डिक्रीज होगा कम होगा ये जो आपको जो ज़्यादा दिखा रहा है रूम टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दिखा रहा है गैस ज़्यादा होने की वजह से नहीं दिखा रहा ठीक है अगर गैस ज़्यादा होता तो आपका डिस्चार्ज भी बहुत भागता एम्पियर भी बहुत भागता क्योंकि रेटेड 26.4 है तो आपका अगर गैस बहुत ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा जाएगा आपको ठीक है चलिए ये वीडियो में इतना ही थैंक यू
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJADMJ मिला के लिखें और सर्च करें और यहां से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।